हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका केसरी। आज मैं आपको कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड जो फीमेल के क्वेश्चंस हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। फीमेल वैक्सीन्स कब लें कब ना लें, ये उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं कि हमें किस टाइम लेना चाहिए किस टाइम नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं इन क्वेश्चंस का आपका आंसर देना चाहती हूँ। सबसे पहले एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप मेंस्ट्रुएशंस के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं। आप बिल्कुल पीरियड्स के टाइम वैक्सीन ले सकते हैं, वैक्सीन लेने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, वो चाहे पीरियड का आपका फर्स्ट डे हो, चाहे सेकेंड डे हो या थर्ड डे हो। बहुत सारे पोस्ट आए थे कि पीरियड्स के टाइम में वैक्सीनेशन होने पर इम्यूनिटी का लॉस हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इम्यूनिटी का लॉस हो जाता है, बल्कि आप और भी सिक्योर हो जाते हो। तो पीरियड्स के टाइम पे वैक्सीनेशन आपका सेफ़ है और आपकी कोई भी इम्यूनिटी पावर का लॉस नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि प्रेगनेंसी के टाइम वैक्सीनेशन सेफ़ है या नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी वैक्सीनेशन सेफ़ है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है उसमें। तो आप प्रेगनेंसी के टाइम पे भी वैक्सीनेशंस लगवा सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनको बहुत सारी एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती है, हाइपरटेंसिव होती हैं, इक्लाम्शिया की प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से उन्हें वैक्सीनेशंस के लिए प्रिकॉशंस बताए जाते हैं कि आपको किस टाइम लगाना है किस टाइम नहीं लगवाना है। अदर कंट्रीज़ में प्रेग्नेंट फीमेल को वैक्सीनेशंस के लिए अलाउ कर दिया है, और इंडिया में भी कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही इन चीज़ों पर वैक्सीनेशंस दिया जा रहा है। तो प्रेगनेंसी पे भी वैक्सीनेशन सेफ़ है। नाउ थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज इन हेयर कि बहुत सारी फीमेल्स ये क्वेश्चंस पूछ रही हैं कि आफ्टर वैक्सीनेशंस कब प्रेगनेंसी कंसीव करी जा सकती है। तो अगर आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड वैक्सीनेशन की दोनों डोजेस हो चुकी है, आप सिक्योर हो चुके हो वैक्सीनेशन से, तो आप प्रेगनेंसी प्लानिंग जो कंसीव करने चाहते हैं बेबी, तो सेकेंड डोज के बाद आप 2 या 3 महीने का प्रिकॉशंस लेंगे। 2 या 3 महीने के बाद जब आपकी बॉडी में प्रॉपरली इम्यूनिटी बन जाएगी, एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, तो उसके बाद आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। क्योंकि इससे ना ही बेबी को कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही आपको भी कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में प्रॉपरली एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का फॉर्मेशन हो जाएगा और एंटीबॉडीज़ का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेटर है कि दोनों डोजेस कंप्लीट हो जाने के बाद 2 या 3 महीने के बाद ही आप बेबी प्लानिंग करिए। सो गाइड्स, थैंक यू।